नेपाल में विमान आग से 64 से ज्यादा शव बरामद। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले लगी आग, पहाड़ी से टकराकर खाई में गिरा विमान। यूक्रेन और रूस ने दाखिल 33 मिसाइलें, 20 की मौत, इमारतें ढहने से 73 घायल। जेलेंस्की बोले, हमने 21 रूसी मिसाइलों को किया तबाह। मिस यूनिवर्स बनी यूएसए की गैब्रियल, भारत की हरनाज को ने पहनाया ताज। दिव्यता टॉप 5 में नहीं पहुंच सके। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 35 दिनों में 60,000 मौतें, भारत में 181 नए मामले आए सामने। टेस्ला ने अमेरिका में कारों के घटाए दाम, टॉप सीलर मॉडल वाई एसयूवी समेत कई कारों की कीमतें 20% तक घटाई, घटती सेल्स को बढ़ाने के लिए किया ऐसा। शिवराज बोले, मां के लिए अभद्र भाषा से अंतरामा हुई व्यथित, मां का स्वर्गवास मेरे बचपन में हो गया था, गाली देने वालों को किया मां। यूपी में 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 36 जिलों में कल कोहरे का अलर्ट, प्रदेश में बरेली सबसे ठंडा। यूएस में रहने वाले 1% भारतीय देते हैं 6% टैक्स, अमेरिकी सांसद बोले, भारतीय लॉ फॉलो करते हैं, उनके लिए इमिग्रेशन प्रोसेस करेंगे आसान। तमिलनाडु में जलीकट्टू के दौरान 23 घायल, बैल पकड़ने के दौरान हुई घटना। सुप्रीम कोर्ट ने 300 खिलाड़ियों और 150 दर्शकों को दी थी परमिशन। आर्मी डे पर पीएम का मैसेज, हमें सेना पर गर्व, सेना प्रमुख ने कहा, एलएसी पर हर स्थिति से निपटने को तैयार। बाराबंकी में छप्पर में आग लगने से वृद्ध की मौत, घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रहा था 60 वर्षीय छेदू पुत्र रामदान रामधीन, ने पुलिस मामले की जांच में की। जांजगीर चांपा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष ने किया संक्रांति कूच, तिलक सेवा संस्थान पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। रायसेन के उदयपुरा में बेलगाम डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, एक घायल। अवैध उत्खनन के चलते सड़कों पर अंधी रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक। हरिद्वार में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने किया लोहड़ी एवं मिलन समारोह का आयोजन, सुनील अरोड़ा ने दी शुभकामना। गुरुद्वार में 2 दिवसीय हिंदी गिनती मेले का समापन, गेंद से होता है खेल, 2 गांव के बीच होता है खेल, अपनों से मिलने के बाद चमड़े से बनी गेंद से होता है खेल। छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे से युवक का कटा गला, मोटरसाइकिल से कोरैया रोड पर गुजरते वक्त लालबाग निवासी अतर लाल यादव का कटा गला। मकर संक्रांति स्नान पर लोगों में असमंजस, 14 जनवरी को मनाया जाएगा जाता है, इस बार 15 जनवरी को पढ़ने से असमंजस, खिचड़ी और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ ग्रैंड फिनाले का फाइनल कल रायगढ़ ऑडिटोरियम में, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से पहुंच रही प्रतिभा। हल्द्वानी में उत्तरायणी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, लोक कला और संस्कृति की छटा देखने को मिली, लोग पुष्प वर्षा के लिए रहे तैयार, लोगों ने दी मकर संक्रांति बधाई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चोरों के आतंक जारी, नोएडा के फेस 2 थाना क्षेत्र में चोरों ने 5 कंपनियों को बनाया निशाना। बीपालपुर में 9 दिवसीय श्री राम कथा के साथ चिकित्सकीय यज्ञ के लिए गौ पूजन किया गया, 25 जनवरी से 3 फरवरी तक का आयोजन, विधायक सांसद समेत स्थानीय लोग रहेंगे मौजूद। ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर चूने से भरा ट्रॉला डिवाइडर से टकराया, हाईवे पर अंधेरे के चलते हुआ हादसा, पुलिस ने टॉर्च जला जलाकर वाहनों को रुकाया। नाचू नाचू गाने पर यूपी पुलिस का मजेदार ट्वीट वायरल, कहा RRR मतलब रिस्पेक्ट द रेड लाइट ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर लाल बत्ती का सम्मान करें। बेंगलुरु में शौर्य संध्या का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट। यहां मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में थलसेना प्रमुख की मौजूदगी में परेड का आयोजन। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, कहा धर्मनगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, आस्था की डुबकी सभी के लिए कल्याण।